बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद अमान के दोस्तों आज की वीडियो हम लेके आए हैं ग्री के डीसी इन्वर्टर एसी पर, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो कहीं कोई भी मार्स मिस मत करिएगा, कहीं से भी वीडियो को जो है मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं ग्री के डीसी इन्वर्टर एसी 18 PITH1W पर रिव्यू करने जा रहे हैं। ये आपके सामने है, इसका मॉडल भी आपको दिखा दूँ कि है, क्योंकि दोस्तों की बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स से रिक्वेस्ट थी कि इसके जो है आप इस पर रिव्यू करें, इसके पावर कंजप्शन जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है उसके ऊपर आप रिव्यू करें, वीडियो बनाएं। तो आज हम इसके ऊपर वीडियो लेके आएँ, क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप हमने इसके जो है वो वायर के साथ अम्पेयर मीटर जो है उसको लगा दिया गया है, और अभी हम इसको जो है ऑन करेंगे। तो दोस्तों इसको हम ऑन करेंगे 16 पे, और साथ में इसका करेंगे जो फैन स्पीड है उसको हम रखेंगे टर्बो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन कर दिया, और इसकी फ़ैन जो स्पीड है उसको भी हमने टर्बो कर दिया। तो दोस्तों आज हम इसको देखेंगे ये कहाँ तक भागेगा, और ये हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसको कहाँ तक घुमाएगा। तो वीडियो कहने तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को नज़र जमा के देखते रहेंगे, क्योंकि इसके आज हम जो है मैक्सिमम अम्पेयर जो हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और इसकी जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है वो भी आपको आज पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक जो है पावर कंज्यूम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपके सामने ये हमने मीटर लगा दिया है, तो ये स्टार्टिंग इसकी होगी या 1.2 से। तो अभी ये जो है ये अपने स्टार्ट लेना इसे शुरू कर दिया, ये ऐसा ऐसा जहाँ जहाँ लग जाएगा हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने कोई रीटेकिंग नहीं की हुई, इसमें कोई हमने जो है एडिटिंग जो है इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्योरली वीडियो जो है वो कंटिन्यूसली हम बनाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों ने बहुत सारे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भी थी, कमेंट्स भी थी कि आप इसके ऊपर जो है वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ये हमने इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे कि जो जब वेदर का जो टम्परेचर है वो कम होता है तो उसके जो अम्पेयर्स हैं वो अपनी जो फुल जो इसकी कंजप्शन है वहाँ तक नहीं जाते, जो इसकी फुल एफिशिएंसी है इसकी वो वहाँ तक नहीं जाती, क्योंकि इसका जो बाहर वाला आउटडोर होता है इसमें एयर सेंसर लगे होते हैं, हीट एयर सेंसर, तो वो जिस तरह सेंस करते हैं उसी तरह से सिग्नल देते हैं कंप्रेसर को, बोर्ड को, और इसी तरह से कंप्रेसर जो है अपना जो है वो रिएक्ट करता है, उसी तरह से उसकी जो चलने की स्पीड अप डाउन होती रहती है। तो अभी जो है जो हमारा वेदर का टम्परेचर है, आज जो टम्परेचर है 46 है और फीलिंग लाइक 50 है। तो हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाए ताकि ये बहुत ही बेस्ट टाइम जो है इसकी पावर कंजप्शन का, जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन का वो टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जब बाहर का टम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे ही पता चलता है ये कहाँ तक जो है एम्पेयर लगता है, कहाँ तक ये कंजप्शन मैक्सिमम करता है। क्योंकि दोस्तों जब हम आपको ऐसे दिखाएंगे कि ये वेदर बाहर का वेदर जो है उसका टम्परेचर कम हो तो इसके एम्पेयर जो हैं वो कम ही रहेंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। उस दोस्त जो है वो वीडियो देखते हैं और जब परचेज़ कर लेते हैं ऐसी, तो बाद में हमें जो है कमेंट्स इस तरह से आते हैं कि वो ये तो बहुत ज़्यादा जो है लेकर जो आप दिखा रहे हो वो कुछ है यहाँ पे कुछ है। तो इसीलिए हमने जो है इसको आज बहुत ही ज़बरदस्त वेदर और मुनासिब समझा के आपके लिए आज की वीडियो लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके एम्पेयर जो है इस 6 एम्पेयर से भी बढ़ गए और ऊपर जाते जा रहे हैं, आहिस्ता 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 जो है इसके एम्पेयर जो है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और हमने इसको जो है आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ कि इसके जो हमने टम्परेचर क्या रखा हुआ है, किसके ऊपर चल रहा है, आपको ऊपर भी दिखाएँगे और इधर भी दिखाएँगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, आप बहुत इंफॉर्मेटिव हो, आपको बहुत ही आसानी होगी एसी परचेज़ करने में कि हम कौन सा एसी ख़रीदें और कौन सा एसी ना ख़रीदें, कौन सा एसी जो है हमारी मीटर को ज़्यादा घुमाएगा, हमारी जेब को खाली करेगा। तो ये जो वीडियो है ये इसीलिए होती है कि आपके लिए आसानी हो एसी परचेज़ करने में, एसी
ख़रीदने में। तो इसकी आज हम जो है इसकी एग्री की डेढ़ टन का जो ये एसी है कूलर इसको नाम दिया गया जो न्यू इस साल आया है 2021 में 18 PITH1W डेढ़ टन का, उसके जो है मैक्सिमम अम्पेयर के ऊपर हम जो है वो वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो हमारी वीडियो पे बिल्कुल नए हमारे दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो साथ घंटी का बटन है उसे भी दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों एक थोड़ी सी आपसे कंप्लेंट है कि आप जो हमारी वीडियो देखते हैं हमारी वीडियो का व्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और इससे आपको कुछ नहीं जाता, हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9.9 तक जो है ये जा चुका हुआ है इसका, और अभी हमें जो है ये अभी हमने इसको स्टार्ट किया कमरे में, एसी पहले नहीं चल रहा था, अभी से हमने स्टार्ट चलाया, तो अभी जो है तकरीबन जो 6 मिनट में जो है ये 10 एम्पेयर पर जो है वो चला जा चुका है। तो दोस्तों इसके ऊपर नज़र जमाई रखिएगा, क्योंकि हमने भी इसको नहीं इधर उधर करना, और ना ही हमने इसकी रीटेकिंग करनी है, ना ही हमने इसे एडिटिंग करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 10.3 तक जो है वो जा चुके हैं। तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक भागता है, कितनी इसकी जो है एम्पेयर बनाने की स्पीड है वो दिखाते हैं। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं वो 8 के करीब पहुंच चुका है, 10.788 तक पहुंच चुका है ये, और अभी मज़ीद देखते हैं कहां तक ये जाता है। तो दोस्तों जो वेदर का टम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके एसी की कंजप्शन। आप कोई भी एसी लेके आएंगे, आप कोई भी एसी लगाते हैं, अगर बाहर का टम्परेचर कम होगा तो आपके जो कंजप्शन है वो भी कम होगी। तो जैसे ही बाहर वाला टम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि रूम टम्परेचर भी जो है इस टाइम पे जो हमारा जिस एसी पे हम ये रिव्यू कर रहे हैं, तो इस रूम का जो टम्परेचर है अभी जो है 40 के करीब है। तो अभी 40 टम्परेचर को जब उसने मेनटेन करना है तो उसके लिए उसको फुल जो है एफिशिएंसी के साथ चलना होगा, फुल अपडेट के साथ उसको चलना होगा, तभी आपके जो है कमरे का टम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सकता है। दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये 16 पे जो है वो चल रहा है, और साथ में जो है हमने इसको टर्बो फैन स्पीड पे भी किया हुआ है, चलाया हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको जो है अभी इसकी टर्बो फैन स्पीड को बंद किया है, तो दोबारा से जो है इसका जो टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपका टेम्परेचर आप उस कम रखते हैं और फैन स्पीड जो है उसको भी कम करते हैं, तो तब ये इसका जो एम्पेयर्स हैं वो वेरिएशन करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको मैंने बताया था कि आपकी फैन स्पीड उससे भी जो है आपका बिजली की जो कंजप्शन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह चल। तो दोस्तों ये अभी हमने जो है इसको 26 पे किया, और इसकी फैन जो स्पीड है उसको हमने कर दिया है मीडियम, और अभी देखते हैं कि इसके जो एम्पेयर्स हैं वो उसमें कुछ वेरिएशन आती है या सेम ही रहता, क्योंकि अभी तक जो इस रूम का टम्परेचर है वो अचीव नहीं हो सका अभी तक, क्योंकि अभी तक तकरीबन जो है 9 मिनट हुए हैं, तो इसके जो है अभी 40 रूम टम्परेचर है, तो उसको मेंटेन होते होते भी टाइम लगता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसके जो मैक्सिमम एम्पेयर्स हैं वो दोस्तों इसके 10.8 तक जो है इसके मैक्सिमम एम्पेयर्स गए हैं, और अभी ये आप देख सकते हैं कि ये हमने थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उसको कम किया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ जो फैन स्पीड है उसकी वजह से जो है तकरीबन जो है 8 पॉइंट जो है एम्पेयर वो कम। तो दोस्तों ये थी हमने जो वीडियो बनाई है क्रिकेट 1.5 टन का कूलर जो न्यू मॉडल आया 18 PITH1W 1.5 टन,
उसके ऊपर मैक्सिमम हम बेस के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो मैंने कैसी लगी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।